बॉलीवुड इंडस्ट्री में अनुपम खेर का एक अलग ही नाम और पहचान है। अनुपम खेर ने अब तक बॉलीवुड में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। तो वहीं अगर बात की जाए उनके फिल्मी करियर के बारे में, तो अब तक पूरे 36 साल हो चुके हैं उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन उन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्मों के जरिए अपनी एक खास पहचान बनाई है। कभी बॉलीवुड की फिल्मों में वो नजर आते हैं विलन का किरदार निभाते हुए, तो कभी नजर आते हैं किसी और किरदार में। लेकिन अनुपम खेर ने हमेशा ही लोगों के दिलों पर राज किया है अपनी कॉमेडियन के जरिए, तो कभी पिता के रोल में हर किसी का दिल जीता है। ऐसे में आपको बता दें अनुपम के बारे में, तो एक दौर ऐसा भी आया था जब अनुपम खेर पूरी तरीके से कंगाल हो गए थे। इस बात का खुलासा खुद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में किया था। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2005 में अनुपम खेर ने अपने प्रोडक्शन हाउस से एक फिल्म बनाई थी और ये फिल्म थी मैंने गांधी को नहीं मारा। उन्होंने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि वे इस फिल्म से टाइकून बनना चाहते थे, लेकिन फिल्म ने उन्हें पूरी तरह कंगाल कर दिया और वो पाई पाई को मोहताज हो गए थे। इतना ही नहीं, अनुपम खेर ने आगे ये भी बताया कि मैं अनुपम खेर स्टूडियो बनाना चाहता था, लेकिन इस फिल्म ने मुझे दिवालिया बना दिया था। यहाँ तक कि मेरे पास 5,000 रुपये भी नहीं बचे थे। इसके बाद मैंने अपना प्ले कुछ भी हो सकता है किया, जिससे मुझे कुछ आमदनी मिली। वेल दोस्तों, इतना ही नहीं, साल 2015 में मलेशिया में आयोजित किया गया था आईफा अवार्ड फंक्शन, और इस दौरान भी उन्होंने अपनी एक्टिंग स्कूल खोलने के पीछे की कहानी भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि साल 2005 में दिवालिया होने का नतीजा है कि उनका एक्टिंग इंस्टीट्यूट द एक्टर प्रिपेयर्स, जब वो फिल्म मेकिंग के सभी पहलुओं पर फेल हो गए तो फाइनली एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोलने का मन बनाया। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें एक्टिंग स्कूल एक छोटे से रूम में 12 स्टूडेंट से शुरू किया था अनुपम खेर ने। वहीं अनुपम खेर आज एक जाना माना नाम है और आज के समय में उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए हर किसी के दिल पर राज किया है और कर भी रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए अनुपम के बारे में, तो अनुपम की पहली फिल्म थी सारांश। सारांश के जरिए उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था और ये फिल्म रिलीज हुई थी 25 मई साल 1984 में, और उस समय अनुपम खेर की उम्र थी 28 साल। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो अनुपम खेर वाकई में अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से अनुपम खेर ने इन उतार चढ़ाव को देखा, तो वहीं इनका डटकर सामना भी किया। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।